नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और योगा मास्टर हूँ। मैं यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पर बात करता हूँ। आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना बहुत जरूरी है, शरीर को ठीक रखना है या बीमारी से बाहर निकालना है। तो शरीर को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, वो आहार का पूरा इंजीनियरिंग शो करने वाला ये पूरा चार्ट, इसमें सारी बातें इंक्लूड है। आपके शरीर की सफाई कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, किस तरह रखनी है, आपके शरीर को कौन सा खुराक देना है, कब देना है, किस तरह देना है और कौन सा खुराक आपके शरीर में क्या काम करता है, ये बातें आपको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप बीमार है तो अल्कलाइन ज्यादा खाइए, पकाया हुआ यानी कि एसिडिक खुराक कम खाइए, आप जो स्वाद खाओगे वो भी अपना काम करेंगे। तो ये पूरा चार्ट है, उसका पूरा डिटेल में आपको समझ लेना है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल योगाहार पे जाइए, वहाँ आपको योगाहार का पूरा कोर्स नाम का एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अंदर एक एक वीडियो ये सारी बातें समझाते हुए मिल जाएंगे। तो जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरा योगाहार का कोर्स पूरा एक बार देख ले। आपको मेरी बातें ये पूरा कोर्स देखने के बाद अच्छी लगे तो आप दूसरों को बोलिए कि वो लोग ये देखे। आप सीधे ऐसी सीधी बात बताने जाओगे कि भी ये करने से ऐसा बीमारी ठीक हो जाता है तो वो कभी तैयार नहीं होगे, अग्री नहीं होगे। तो उनको पहले समझ आनी चाहिए और समझ आने के लिए लाने के लिए उनको पूरा कोर्स का सारे वीडियो देखना जरूरी है। आपको लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना तो उसका पूरा कोर्स का लिंक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये योगाहार का दूसरा चित्र है जिसमें शरीर सफाई, शरीर खुराक और सावधानी ये तीनों बताई है। तो ये आप ध्यान रखिए। आज एनडीएस योगाहार में एक प्रश्न है। साहब, मारा मासीना दीकरा छे, तेमनी उम्र 59 वर्ष छे। 2 वर्ष पहला तेओ एनडीएस करता हता, परंतु बीमारी मटी गया पछी तेओ आंशिक एनडीएस करे छे, बपोरे ने सांजे जमे छे। गई काले तेमने बीपी वधी जता हॉस्पिटल में दाखल करवाया था। आजे एंजियोग्राफी करावता मालूम पड़ी के एक नाड़ी 100% बंद छे अने बीजी में 50% बंद छे। तेमने हाल शू करवू जोईए, सलाह आपवा विनंती। अब ये भाई लिख रहे कि उनके चचेरे भाई, उनकी 59 साल उम्र है। 2 साल पहले वो लोग एनडीएस कर रहे थे, लेकिन जब वो ठीक हो गए तो फिर वो खाना चालू कर दिया। वो दोपहर शाम दोनों टाइम पकाया खाते थे और उनको बीपी बढ़ जाने से हॉस्पिटल ले गए तो, और वहाँ एंजियोग्राफी करने के बाद पता चला कि एक नली 100% ब्लॉक है, दूसरी 50% बंद है। तो अब क्या करना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। आपको एंजियोग्राफी कराना है या नहीं, एंजियोप्लास्टी करना है या नहीं करना है, ऑपरेशन करवाना नहीं करवाना है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो दोबारा एनडीएस करके यही समस्या में से वापिस आ सकते हो, आपके ऊपर है। आप अभी तुरंत ही इमीडिएट, पहले तो आपका जो खाना है वो 100% रॉ फूड कर लीजिए। आपके ब्लॉकेज जो बढ़ गए हैं उसको तोड़ने वाले खुराक ज्यादा खाना चालू कर लीजिए। आपको खट्टे फल और हरी पत्ती ऊपर आना है, रसाहार पे आ जाना चाहिए। तो आपकी अभी जो बंद है नाली वो धीरे धीरे खुलनी चालू हो जाएगी। हरी पत्ती आधी और आधी फ्रूट्स आधा फ्रूट्स और आधा हरी पत्ती, ये दोनों मिक्स करके आप पूरे दिन यही के ऊपर रहिए, करीब 15-20 दिन इसके ऊपर ही रहिए। साथ में आपके ब्लॉकेज को निकाल सके ऐसे खुराक साथ में लेना है, जैसे लौकी का रस है, हमारा हार्ट टॉनिक आता है जिसमें अदरक, लहसुन, नींबू, एप्पल विनेगर और शहद, ये 5 चीजों में से बनाया हुआ हार्ट टॉनिक है, वो आप ले लीजिए। दिन में 4 बार 2-2 चम्मच वो पीना चालू कर दीजिए। हाँ, लहसुन खाना चालू कर दीजिए, आपके ब्लॉकेज खुले होने चालू हो जाएंगे। पकाया टोटली बंद कर लो, अभी जरूरत है तब तक आपकी दवाई चालू रखो, लेकिन आप खुराक बदल दोगे तो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये बात पक्की है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है कैसे करना है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट पकाया टोटली बंद, 24 घंटे में 8 घंटा ही खाना है, और 8 घंटे में जो खाना है इसमें आधा हरा पत्ता और आधा बाकी सब, इसमें खट्टे तीखे मीठे जो भी स्वाद करना है, कच्चे में जो भी खाना है वो सारा आधे में खाओ, लेकिन आधे में हरी पत्ती खाओ। और ये ब्लॉकेज निकालने वाले सूरजमुखी के बीज है, वो चबा के खाइए। हाँ, अलसी बहुत उत्तम है, कच्ची अलसी का तेल निकालिए और वो पिए, हाँ, 2-2 चम्मच रोज, आपके ब्लॉकेज को खोल देगा, पिघाल देगा, आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को भी निकाल देगा। तो अलसी लोग खा रहे हैं मुखवास में, लेकिन वो खाते हैं रोस्ट की हुई, सेकी हुई। सेकी हुई अलसी कभी नहीं खानी चाहिए, वो आपके ब्लॉकेज बढ़ाती है, कम नहीं करती है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो फिनला साथ में लिया करो, सी बकथोन साथ में लिया करो, हमारा हृदय अमृत टॉनिक लिया करो, ये साथ में लिया करो। और ये खाने में आप ध्यान रख लीजिए, बिना ऑपरेशन आप वापिस ठीक हो जाओगे, और एक बार बीमारी निकल जाए तो दोबारा खाने क्यों लग जाते हो? हाँ, एक एक बार जो धंधा करते हो इसमें फायदा मिल रहा है तो उसको बंद क्यों करना है? लोग यही गलती करते हैं। हाँ, और कई लोग तो ऐसा करते हैं, सुबह में उपवास करते हैं, दोपहर को कच्चा खाते हैं, रात को 3 गुना पकाया खा लेते हैं। अब कच्चे ने जितना शरीर में सफाई की हो, इसके सामने पकाया इतना 3 गुना खा लेते हैं कि जो कच्चे ने सफाई की थी बॉडी की, हाँ, वो वापिस कचरे से भर देते हैं, और धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि ये सिस्टम करने के बावजूद ये भाई ने तो सिस्टम बंद कर ली थी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं ये सिस्टम में है फिर भी हार्ट अटैक आता है। तो रात का जो पकाया आप खा रहे हो इसमें आप कंट्रोल कीजिए। हाँ, मैं बहनों को विनंती करती हूँ, आप तड़का मत लगाइए, तेल की सब्जी मत बनाइए। हाँ, तड़का लगाया हुआ तेल तली हुई चीज से 3 गुना नुकसान करती है, ये छोटी बात क्यों नहीं समझते हो? हाँ, मम्मी ने सिखाया है, एक भी सब्जी बनाना है तो पहले तड़का लगाना है, तो मम्मी को छोड़ो, अब मसाला करो, तेल की क्या जरूरत है तड़का लगाने की? आप मसाला करोगे तो हर सब्जी सब टेस्टी ही लगने वाली है, तड़के की क्या जरूरत है? वघारेलू तेल तरेला तेल करता त्रण गणु नुकसान करे। हाँ, एक सेकी हुई खारी सींग सेकी हुई खावा थी ब्लॉकेज वधी जाता होए, तो ये तमे तड़को लगाओ वघार करो, ये तेल शू करे शरीर में? हार्ट अटैक ऊपर वाला नहीं लाता है, हम खुद खा खा के मर जाते हैं। ये हॉस्पिटल वाले अच्छे हैं, आपको इमरजेंसी में ये सब करके दे देते हैं और बचा लेते हैं। पहले के जमाने में ये भी नहीं था, लोग खेत में काम करते थे, अटैक आता था, घर खेत में से घर आए तब तक खत्म हो जाते थे, रास्ते ही नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर बड़ी हॉस्पिटल जिला लेवल में या तो बड़े शहर में थे, इमरजेंसी कोई सारवाड़ी नहीं थी। और जब वो मर जाते थे तो वो क्या बोलते थे, माताजी के रास्ते में आ गए और झट में मर गए, यही मान्यता थी, लोगों को पता ही नहीं था लोग हार्ट अटैक में मर रहे। पकाया खाओगे तो मरोगे, हाँ, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। और हार्ट अटैक आया है तो कोई बात नहीं, आपको अब ऑपरेशन करना है या एनडीए से ठीक होना है आपके ऊपर है, आप करोगे तो एनडीए से भी ठीक हो सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं करना है, इमरजेंसी करनी है, तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन करा लो, पहले बच जाओ। तो ये एनडीएस आपको बचा सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, हम रास्ता बता सकते हैं, करना आपको खुद को, आपको रास्ते पे आपको खुद को चलना है। ठीक है, तो ये रात का एक टाइम पकाया खा रहे हो, हाँ, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके शरीर को जिंदा रखना है या मारना है, आप तय करो। आप जिंदा रहोगे तो पूरी जिंदगी आनंद पूर्वक जी पाओगे, लेकिन ये दवाई खा के जीना है क्या? हैरान होके क्यों मर रहे हो? और आप हैरान हो कोई बात नहीं, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली लग जाती है, उन्होंने क्या पाप किया है, उनका क्या दोष है तो वो आपके पीछे लगे रहे? ये बड़ी 50 से बड़ी उम्र वाले सब लोगों को मैं बोलता हूँ, और बच्चे लोगों खास बोले अपने बड़े लोगों को,
कि आपका शरीर आप खुद संभालो, किसी को टाइम नहीं आपके पीछे दौड़ने का। खाने पीने में आप ध्यान नहीं रख सकते हो, अपना शरीर ठीक नहीं रख सकते हो, और दूसरे के पास अपेक्षा रखते हो वो आपको बचा के रखे। मुझे सुनते ये बोलना पड़ता है। आप एनडीएस कर रहे हो तो क्यों छोड़ दिया? चालू रखना चाहिए, फायदा है तो चालू रखो। क्यों, एक टाइम खाओ, लेकिन वो भी ऐसा मत खाओ कि वो आपका एक टाइम का कच्चा का भी सत्यानाश कर ले। कंट्रोल रखो, चबा चबा के खाने की आदत डाल लीजिए। रिफाइंड तेल घर में लाए हो मत, क्यों ला रहे हो? लोगों को पता ही नहीं है। सीखो पहले, समझो आप जो खा रहे हो वो क्या कर रहा है, इतना तो पता करो। धंधे में नुकसान करते हो तो कारीगरों और मजदूर और सप्लायर और जो भी है उसके साथ झगड़ा कर लेते हो। तो शरीर के साथ नुकसान कर रहा है तो शरीर आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भी शरीर बोल नहीं रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं है शरीर को दिक्कत आ रही है। उसके सामने देखने तो रखो। आपकी मुंह की इंद्रियों को मजा कराने के लिए आप शरीर के सामने नहीं दिख रहे हो। शरीर ठीक रहेगा तो आपको लंबा चलाएगा, आपको आनंद करवाएगा, वही शरीर आपको आनंद करवाएगा, कोई कोई नहीं कराएगा। ठीक है, तो शरीर को संभालना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। कैसे रखना है ये हमको खुद को देखना है। दूसरा एक एनडीएस प्रश्न है, एनडीएस योगाहार में वो लिख रहे हैं, सर माय मदर इन लॉ इज हैविंग थर्ड स्टेज ग्रेड टू ब्रेस्ट कैंसर। इट हैज बीन 2 months दैट इट इज डिटेक्टेड एंड इमीजिएटली अपन डिटेक्शन वी स्टार्टेड एनडीएस। 2 महीने पहले उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था थर्ड स्टेज का, तो उन्होंने एनडीएस स्टार्ट कर लिया था। आफ्टर 1 month ऑफ रिगरस एनडीएस द साइज ऑफ द ट्यूमर इन द ब्रेस्ट हैड डिक्रीज एंड सजेस्टेड बाय कैंसर डॉक्टर। एक महीना उन्होंने एनडीएस किया तो उनकी जो ट्यूमर की गांठ थी वो छोटी हुई थी, ऐसा डॉक्टर बता रहे थे। नाउ इट हैज बीन 2 months एंड शी हैज स्टार्टेड ऑब्जर्विंग सम बर्निंग सेंसेशन वंस इन ए डे फॉर ए फ्यू सेकंड नियर द ट्यूमर। ये ट्यूमर के आसपास उनको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, और दिन में एक ही बार थोड़ी सेकंड के लिए आ रहा है। इट इज ए साइन दैट कैंसर इज स्प्रेडिंग टू नर्वस, और इट इज बिकॉज द ट्यूमर इज श्रिंकिंग ड्यू टू एनडीएस, प्लीज सजेस्ट सर। तो देखिए, ये बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 2 महीने पहले थर्ड स्टेज का, उन्होंने जैसा ही डिटेक्ट हुआ एनडीएस स्टार्ट कर लिया, और एनडीएस स्टार्ट करने के बाद एक ही महीने में उनको पता चला कि उसकी जो ट्यूमर थी, गांठ थी कैंसर की, वो छोटी हो रही है। अब छोटी हो रही है इसका मतलब ही है अब वो कैंसर नहीं है, ये बात समझ लो। कैंसर की गांठ जब बढ़ती नहीं हो ना, तो भी आपको पॉजिटिव देख लेना है कि भाई वो अब कैंसर नहीं है। कैंसर जब तक रहता है तब वो फैलती रहती है, बड़ी होती रहती है साइज में। तो साइज बड़ी नहीं हो रही है इसका मतलब है कैंसर अब नहीं रहा है, नहीं तो वो कैंसर होगा तो वो बढ़ता रहेगा। छोटी हो रही है तो मतलब वो ठीक हो रही है। अब आपको बर्निंग सेंसेशन आ रहा है तो वहां समझ लो थोड़ी सड़न या कुछ भी, जो क्योंकि जो गांठ है उसका कचरा तो निकालना पड़ेगा उसको शरीर को। हाँ, तो कचरा निकालने के लिए जो ये प्रोसेस होती है उसके टाइम ऐसी कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन ये भी है, मान लो ये गांठ जो है वो आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो, ब्रेस्ट निकालना नहीं है, शरीर पूरी गांठ को निकाल दे अपने आप। इससे अच्छा है आप ऑपरेट करके इतनी गांठ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनडीएस मत छोड़ो। और जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है उनको तो 100% पकाया छोड़ देना है, टोटली कच्चे पे रहना है, और कच्चे में भी आधी हरी पत्ती और आधी टोटली आधी में बाकी सब, उसमें फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, अंकुरित खाना है, जो भी खाना है, खट्टा तीखा मीठा जो खाना है वो आधे में अलग रखना है और आधे में हरी पत्ती खानी है। आधी पत्ती ज्यादा खाइए, जिसको बचना है वो पत्ती पे ज्यादा जोर रखे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फास्टिंग भी जरूरी है, सिर्फ खाते रहना वो भी नहीं है, आप
कच्चा खाओ, हरी पत्ती खाओ, लेकिन खाते ही रहो खाते ही रहो, अंदर सफाई का मौका नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए आपके शरीर की सफाई होती रहे, इसके लिए आपको जो भी खाना है 8 घंटे के बीच में खाना है, 8 घंटे के बीच में। मान लो 12 बजे चालू कर रहे हो दोपहर को, तो रात को 8 बजे खाइए। 11 बजे चालू कर रहे हो तो रात को 7 बजे, 10 बजे चालू कर रहे हो तो रात को 6 बजे, बस 10 से 6, 8 घंटे के बीच में 8 बार खाओ, लेकिन बाकी के 16 घंटा कुछ मत खाओ। सफाई होने का मौका दो। कोई लोग क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं, भर रहते हैं, इतना भर देते हैं कि शरीर उसको साफ भी नहीं कर सकता है। अब ज्यादा खा लोगे, अच्छा खाओगे, लेकिन सफाई नहीं होगी तो वो भी सड़ेगा, वो भी बीमारी को बढ़ाएगा। खाना भी लिमिट में खाना है, शरीर भी उसको मैनेज तो कर जाना चाहिए। ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, ये समझना है। हाँ ठीक है, तो खुराक इतना मत खाइए कि ज्यादा ओवरलोड हो जाए, इतना कम ना खाइए कि आपको अशक्ति आ जाए। हाँ दोनों ध्यान रखना है आपको। हाँ बैलेंस करके डाइट आपको ध्यान रखना है। तो एक कैंसर पेशेंट को मैं फिंडला, हाँ जो खून नया बनाता है, वो हर रोज 100 ml पी लो, साथ में सी बकथोन लिया करो, ठीक है, और 50% हरी पत्ती के जूस और 50% में आपको बाकी सब फ्रूट सलाद जो भी खाना है वो खाओ। चबा चबा के खाइए या तो रस पिए, लेकिन जितना रस पेट में जाता है उतनी मुंह की लार साथ में जाए, ये भी ध्यान रखो। लार बहुत काम की है, खुराक जितना इम्पोर्टेंट है खुराक का, इतना ही मुंह की लार का इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखो। हर पेशेंट को, बीमार नहीं हो वो भी चबा के खाने की आदत डाल दे, बीमारी ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कैंसर पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, जब गांठ ही छोटी हो रही है इसका मतलब है आपको फायदे दिख रहा है। तो चिंता मत कीजिए और NDH चालू रखिए। आज की प्रोडक्ट है तुलसी, हल्दी, अदरक में से एक्सट्रैक्ट निकाले हुए ड्रॉप। हमारी ये एक अद्भुत प्रोडक्ट है जिसमें तुलसी, हल्दी और अदरक के एक्सट्रैक्ट निकाल दिए हैं। कौन से? तो जो एंटीवायरल है। तो एक कफ और वायु प्रकृति के करीब 50-60 से ज्यादा बीमारियां होती है शरीर में। तो शरीर में कफ और वायु प्रकृति के हिसाब से जितनी बीमारी हो रही है उसको 3 ही दिन में आपको कंट्रोल करना है। तो हमारी ये हेल्दी और हेल्दी ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप, ये मंगवा लीजिए। और इतने स्ट्रांग है कि आपको सुबह में ड्रॉ ड्रॉप, 2 ही ड्रॉप, 1 ग्लास, आधे ग्लास पानी में लेना है, और रात को सोने के टाइम 2 ड्रॉप सोने के टाइम लेना है, बस। दिन में 4 ही बूंद और 2 ग्लास आधे आधे, 3 दिन में आपकी जितनी खराब पोजीशन हो, कफ की हो या वायु प्रकृति की हो, वो 3 दिन में खत्म कर लेगा, इतना स्ट्रांग है। हाँ जिन्होंने इस्तेमाल किया है उसी को ही पता है कि उसकी कितनी स्ट्रांगनेस है। हाँ और 2 की जगह 4 4 ड्रॉप ले लोगे ना, तो दूसरे दिन आपकी आंखों में गर्मी लगेगी, पता चलेगा कि शरीर में गर्मी गर्मी हो रही है, इतना स्ट्रांग है। हमारी जो भी चीजें है इतनी अद्भुत होती है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। हाँ ऐसी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो आपको, और छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करनी है, जिसको बार बार जुकाम आ जाता है, बुखार आ जाता है, गला पकड़ जाता है, ये लोग ये तुलसी ड्रॉप। और अभी ये सीजन ऐसी है, मार्च, 15 मार्च से लेके 15 मई तक, ये 2 महीने की सीजन कफ निकालने वाली है, शरीर में कफ बढ़ने वाली है, वायु प्रकृति बढ़ने वाली है। तो ये 2 महीने के टाइम पीरियड में आपको कफ और वायु से बचना है, तो ये तुलसी ड्रॉप बहुत स्ट्रांग है। और बीमारी नहीं है तो सिर्फ 1 ही ड्रॉप लेना है आपको, ज्यादा नहीं लेना है। दिन में 1 बार ड्रॉप लोगे ना, एक तो भी आपके लिए काफी हो जाएगा। तो इतनी बढ़िया चीज है अभी के समय के हिसाब से, तो आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। काम की बातों में आज गांधीनगर में ये आयुर्वेद आयुष डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पूरा ग्राफ बना के दिया है कि भी कौन सी तारीख के बीच में कौन सी सीजन होती है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी 16 मार्च से 15 मई के बीच में ये फागुन और चैत्र महीना चल रहा है, तो इसके अंदर कफ पिघलता है, शरीर में जो भी कफ इकट्ठा हुआ है वो पिघलता है, और इसके हिसाब से कफ के बीमारियां ज्यादा होती है और वायु की बीमारियां ज्यादा होती है, और जठराग्नि हमारी
मंद पड़ती है, तो इस टाइम में आपको कड़वी चीजें, तीखी और तूरी ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए, मीठी चीजें थोड़ी कम खानी चाहिए जो कफ करती हो, ठीक है। तो जो ठंडी चीजें हैं वजन में भारी है, पचने में भारी है, ज्यादा कफ करने वाली, और ऐसी चीजें का आहार का त्याग कीजिए तब तक, ठीक है। तो ये ऋतु जो है 2 महीना इसको आप संभाल लीजिए। इसीलिए मैं पहले बोलता था कि विंटर में आप खाइए, ठंडी में खाइए, बॉडी बनाइए, और ये गर्मी की जो मौसम है उसमें आपको बॉडी को थोड़ा कंट्रोल करना है खाने में। तो ठंडी में 3 बार खा सकते हो, गर्मी में 2 ही बार खाना चाहिए, और बारिश में 1 ही बार खाना चाहिए। ये हमारी पूरी सीजनल खाने पीने की सिस्टम है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी सेमिनार्स चालू हो चुके हैं, 21 तारीख को अहमदाबाद में है सुबह 9 से 12, और गांधीनगर में 28 तारीख को है दोपहर 2 से 5। तो मार्च महीने में ये दो आपको आप अटेंड कर पाओगे, और उसका एड्रेस लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपको मिल जाएगा। जो लोग संडे के दिन नहीं आ सकते, क्योंकि पूरा हफ्ता का काम होता है और संडे में कोई अवसर प्रसंग में प्लानिंग होता है, घूमने बच्चों को भी बाहर ले जाना पड़ता है, तो ऐसे लोग चालू दिन में भी आ सकते हैं, सोम से शनि के बीच में। वहां 4 से 6 दोपहर को 4 से 6 2 घंटे का एक सेमिनार होता है, वो भी तद्दन फ्री होता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हो। आहार का इंजीनियरिंग सबको लागू होता है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बीमार हो या न बीमार हो, सबको एक कानून समझ लेने चाहिए कुदरत के। योगाहार किट है जो हमारे शरीर के लिए सफाई और न्यूट्रिशन, कारीगर और सबके लिए, और सलाइवा सब मिला के हमने पूरी चीजें इकट्ठा करके किट बनाई है, वो काम की है, आप मंगवा सकते हो। योगाहार की बुक अवेलेबल है, वो भी आप मंगवा सकते हो, और ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन पे। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो वो भी आप देखते रहिए। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, इससे लोगों का फायदा रहेगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।